अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और सुबह का आगाज़ बहुत ही शुक्र के साथ कि अल्लाह पाक ने खैर व आफियत से हमारी ज़िंदगी में एक और दिन लेकर आए हैं। और यहाँ मैं जो है फ़ातिमा और अली को खुदाफिस करने के लिए आई हूँ। और मैंने छोटे छोटे से क्लिप बना के आज अपने नाश्ते की वीडियो आप लोगों से शेयर की। मैंने सोचा कि न्यू वीडियो जो है वो कुछ न्यू होनी चाहिए। तो बस खैर से अली और फातिमा चले गए हैं और मैंने फिर अपनी क्लीनिंग शुरू कर दी। मरियम अभी तक सो रही हैं, वो अभी उठी नहीं हैं। जब उठेंगी तो तब उनको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा। तो मैंने कपड़े रात को ही काफ़ी प्रेस कर लिए थे, जब बच्चे सो गए थे तो मैंने बच्चों के कपड़े जो है वो धोए थे। तो फिर मैंने यहाँ बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए और अब मैं उनको हैंग कर रही थी। तो सफाई मैंने कर ली थी, बस मैंने कहा कि पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर इनको मैं हैंग कर दूँगी। तो यहाँ मैं अपने न्यू आने वाले सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी। आपके बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिनको पढ़ के और उनका रिप्लाई देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अपने सबसे छोटी सब्सक्राइबर के बारे में, जिनका नाम है अलीशा और वो रहती हैं पाकिस्तान में। मेरी फ्रेंड है हिरा, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, मेरी कॉलेज फेलो, मेरी स्कूल फेलो। और उसके बाद सबसे पहले हम एक ही एरिया में रहा करते थे। तो उसने मुझे बताया कि कल इसका वॉइस नोट आया कि अस्मा अलीशा जो है वो तुम्हारा व्लॉग बहुत शौक से देखती है और उसको फातिमा और मरियम बहुत अच्छी लगती हैं। और वो मुझे हमेशा कहती है कि आप मेरी अस्मा आंटी से कहें कि वो जो है अपने व्लॉग में मेरा नाम लें और मुझे जो है वो बताएं सबको कि अलीशा जो है वो मेरे व्लॉग देखती है और मुझे फातिमा और मरियम बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज मैं अपनी सबसे छोटी सब्सक्राइबर अलीशा को जो है वो बहुत प्यार और बहुत सारी दुआएं देती हूँ। अल्लाह पाक अलीशा का नेक नसीब करे और अच्छा अच्छा उसको पढ़े और वो डॉक्टर बने। उसकी मम्मा भी डॉक्टर हैं। तो हिरा, मेरी तरफ़ से तुम अलीशा को बहुत सारा प्यार करना। तो बस जनाब, आज के मैंने व्लॉग में हिरा से प्रॉमिस किया था कि मैं कल जो है अलीशा का नाम अपने व्लॉग में ज़रूर लूँगी। तो बस यहाँ मैं अपने कपड़े भी समेट रही थी जो कि सिमट चुके हैं और जो है अब मैं अपने जो है वो खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ चिकन मसाला। तो चिकन मसाला और चिकन कोरमा, वैसे अगर देखा जाए तो चिकन मसाला और चिकन कोरमा दोनों की जो रेसिपी है वो बिल्कुल सेम है। बस ये है कि चिकन कोरमा में थोड़े गरम मसाले ज़्यादा होते हैं और जो चिकन मसाला होता है वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा होता है। जो सब्ज़ी थोड़ी सी हल्की होती है मसालों में, तो उसको सिंधी में कहते हैं थदी भाजी। तो मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिंधी भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी है। तो ऑयल में मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और प्याज मैंने जो है वो पहले ही ब्राउन कर ली थी, इसलिए मैंने आप लोगों से उसकी वीडियो शेयर नहीं की। तो प्याज यहाँ ब्राउन हो चुकी है और लहसुन अदरक ऑयल में डाल दिया है। अब उसी ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। और लहसुन अदरक में मैं चिकन की अच्छी तरीके से भुनाई कर लूँगी। तो जब भी आप चिकन कोरमा बनाते हैं तो उसमें ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल कढ़ाई वगैरह के हिसाब से। तो प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल ली, उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक शामिल किया है और अब मैं जो है चिकन डाल के इसको भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें अभी ही एक चम्मच नमक डाल दूँगी ताकि मेरी चिकन जो है वो अंदर से बिल्कुल फीकी ना हो। तो इसे मैं भून लेती हूँ और अब मैं इसे ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 1 कप दही और जो मेरी प्याज थी उसको मैंने जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया है और चिकन मसाला जो है नेशनल वालों का मैं इसमें वो ऐड करूँगी।
जी तो यहाँ मेरी चिकन जो है उसने अपना पानी कर दिया है खुश, और वो थोड़ी सी फ्राई भी हो चुकी है और उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब जो मैंने प्याज, दही और चिकन मुर्ग मसाले वाला जो बैटर बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा। तो बहुत ही शानदार सा चिकन मसाला जो है वो मेरा रेडी हो रहा है। अब मैं तकरीबन आधे से एक गिलास पानी इसमें शामिल करूंगी। अब मैं इन तमाम मसाले को अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स कर लूँगी और यहाँ शामिल करूँगी हाफ कप पानी और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हाफ कप पानी। और आँच पहले मैं यहाँ पे फुल कर दूंगी। जब बॉयल आ जाएगा तो मैं इसकी आँच जो है वो हल्की कर दूंगी और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको पकने दूंगी। तो मेरी चिकन भी गल जाएगी, दही अपना पानी खुश कर देगा और तमाम मसाले अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो बॉयल आने के बाद मैं इसकी आँच को हल्का कर दूंगी। जी तो तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसे पकने दिया है। हमारी जो है वो दही ने भी अपना पानी खुश कर लिया है और मसाला भी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, क्योंकि देखिए ऑयल जो है अब मसाले से अलग हो रहा है। तो मैं इसकी 5 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी और भुनाई करते हुए मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल करूँगी और मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भून के और फिर मुझे जितनी ग्रेवी रखनी होगी मैं उस उतने हिसाब से पानी डाल के और इसे दम पे रख दूंगी। मेरा शानदार सा चिकन मसाला हो जाएगा रेडी। जी तो यहाँ हो रही है मेरी चिकन की भुनाई और मैं समझती हूँ कि अगर जितना सालन को भुना जाता है तो सालन उतना टेस्टी होता है, ख़ासकर चिकन में एक स्मेल सी होती है। अगर आप अच्छी तरीके से सालन को भूनेंगे तो आपके सालन में वो स्मेल नहीं आती। तो बस मैंने जो है तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और अपनी ग्रेवी रेडी कर ली है। तो मेरा जो आज का चिकन मसाला है वो हो गया है रेडी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।